की आने वाली 26 नवंबर को ना आयोग के मुख्यालय पर हम 6 अक्टूबर 2022 को 1,00,000 लोगों को आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर आने को कहा तो 4,50,000 लोग आए। हम 5,00,000 लोगों को निमंत्रित दे रहे, चुनाव आयोग नहीं कहते, हम पब्लिकली बोलते हैं ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बोलता है ना, आयोग तो चुनाव आयोग तो निरपेक्ष होना चाहिए या के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के वो सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन में 100% गड़बड़ी होती है। 2013 का फैसला आया ईवीएम को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम 2017 को ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में आया क्या? वो बोले या न बोले आप उनसे पूछ सकते हैं, मगर हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है भारत मुक्ति मोर्चा, इसके विरोध में देशव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा किया। अभी कल ही ऐलान किया गया है कि आने वाली 26 नवंबर को चुनाव आयोग के मुख्यालय पर 5,00,000 लोगों का मोर्चा लेकर, भारत की जनता को मूर्ख बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया गया जैसे आप कह रहे हैं। ये तो आम बात है, किसको भी दबाव कमल के खाते में ही जमा होता है, तो ये जो बातें हो रही है तो आम जनता को भी मालूम होनी चाहिए ना। हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग सड़क पर आएंगे चुनाव आयोग के मुख्यालय को घेरने की बात? 5,00,000 लोगों को हम बुला रहे, आप भी देखने आइए। हम 6 अक्टूबर 2022 को 1,00,000 लोगों को आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा लेकर आने को कहा, लेकिन चुनाव तो 4,50,000 लोग आए। हम 5,00,000 लोगों को निमंत्रित, दो बातों को मिक्स करके पूछ रहे हैं। पहली बात, वो जो बीजेपी के व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से एक दूसरे सांसद के ऊपर टिप्पणी की उसका हम धिक्कार करते हैं, मगर जो स्पीकर है वो उसका विरोध नहीं कर रहे थे जब ये गाली गलौज हो रही है, उनके पास पूरा अथॉरिटी होता है विरोध करने की, नहीं बात ये है, बात अरे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। मैं दो बातें आप मिक्स करके मत बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक नालायक व्यक्ति ने टिप्पणी किया, इसके लिए सारे ओबीसी को आप उसके अंदर घसीट। अच्छा तो आपका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण गलत है। आरएसएस बीजेपी के लोग फसाद करवा रहे, आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी किसका दल है? ब्राह्मणों का दल है, बैकवर्ड कास्ट का दल नहीं है। बैकवर्ड कास्ट के लोगों को आप अगर टारगेट करके बात करोगे तो वो लोग भी तो कम्युनल माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। वो किराए के लोग हो सकते हैं, जो ये करवा रहा है वो किराए के लोग है, वो गुंडे है, वो प्रायोजित गुंडे है। आरएसएस बीजेपी के पास 2024 को हमने लोगों का कल्याण किया, विकास किया, बताने के लिए कुछ है नहीं है। तो उन्होंने एक पत्ता खेला है कि हमने महिलाओं का 33% रिजर्वेशन का बिल लाया, मगर उसमें बैकवर्ड कास्ट 52% है उनको 0, एससी एसटी ओबीसी को 0, माइनॉरिटी भी एक महिला है। तो ये नाटक है 2024 का चुनाव को लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहते हैं कि ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं है, कहीं फर्जीवाड़ा नहीं। कौन कहता है? चुनाव आयोग। हम चुनाव आयोग को चुनाव आयोग नहीं कहते, हम पब्लिकली बोलते हैं ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं है। वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के बोलता है। चुनाव आयोग तो निरपेक्ष होना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो बीजेपी का प्रवक्ता बन के नहीं बोलना चाहिए। 8 अक्टूबर 2013 को आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ,
8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन में 100% गड़बड़ी होती है, हो सकती है, होती है, हो सकती है, नहीं है, अगर होती है सुप्रीम कोर्ट, सुनो तो पहला तो ये बात तो सुनो, होती है, होती है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सदाशिव ने मान्य किया, गोगोई भी उसमें था, सुझाव मांगा गया तो क्या कहा कि वीवीपीएटी जोड़कर चुनाव होगा, होती है तो ना, हो सकती नहीं, होगी, हो गई है, ये तो लेकर गए थे 2002 बार कांग्रेस ने ईवीएम घोटाला किया, ऐसा करके तो गए थे सुब्रमण्यम स्वामी। जब सब देश में वीवीपैट से हो रहा है तो यहाँ ईवीएम से, हम कह रहे हैं कि 3.5% ब्राह्मणों को अधिकार किसने दिया, ये सारी कमजोरी ब्राह्मणों की है, वो गांव का सरपंच नहीं सुन सकते, आज उनके पास राष्ट्रीय दल है, उनके पास वोट कहाँ है, हम मजलूम लोग हैं, हमारे हमारे लोगों के लोकसभा में 400 पार सीट आ रही है, तो ईवीएम के बलबूते पर आप कह रहे हो किसानों को मारा, मुसलमानों का वहां लिंचिंग किया, देश भर में शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा, बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तो डेमोक्रेसी में आम जनता तो आक्रोशित है, इतना हौसला आपके पास कैसे आ रहा है, एक बीजेपी के सांसद ने बयान दिया, वो कभी कभी सोशल मीडिया में आ जाता है, हमारे पास ईवीएम है, आप कुछ भी कर लो, आप हमें हरा नहीं सकते, तो उनके पास जो हौसला आ रहा है कोई जनमत करने वाला जनमत नहीं है उनके पास, ये सब बेवकूफ़ करने का कार्यक्रम है, मगर ये लोगों को और राष्ट्रीय मीडिया कहाँ बता रहा है, 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया ईवीएम को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम 2017 को ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में आया क्या, वही जो बात आप बोल रहे हो कि चुनाव आयोग ने ऐसा कहा, चुनाव आयोग ने ऐसा कहा, जो हवा वही बातें, रियलिटी में क्या मर गया था मीडिया, उपाय क्या है, निष्कर्ष क्या है, सिर्फ ये कह देना कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में फर्जी आ रहा है, सबूत तो है नहीं ना। अच्छा आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, मैं आपको कहा 8 अक्टूबर 2013 का आपने फैसला पढ़ा, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, मैं आपको सबूत क्या दे रहा हूँ, 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आपको आपको पढ़ना चाहिए, फिर उसका सवाल पूछना चाहिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2013 में हाल ही की अभी लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी ईवीएम को लेकर, अभी हाल ही की खबर है, क्या है उसका मुद्दा, क्या है ईवीएम को लेकर याचिका दायर की गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ 17 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में केस जीते ईवीएम को लेकर, 2019 में आप जानिए ईवीएम से ही चुनाव हुआ, और 2024 में हम 26 नवंबर को 5 लाख लोगों की तैयारी कर रहे हैं। मैं यही चीज आपसे सबसे पहला सवाल था कि वो 5 लाख लोग किस समुदाय, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, बहुजन समाज ना, मूल निवासी बहुजन समाज, हाँ वही कह रहा हूँ, हाँ। तो अगर बहुजन समाज लोगों को आप 5 लाख लोगों को इधर इकट्ठा कर रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेके दूर रखा गया है ओबीसी समाज को, आपने उस बात पे मुद्दा रखा, उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, हम तो कोई एमपी एमएलए नहीं ना, अभी हम तो एक सामाजिक वर्कर के तौर पर बोल रहे हैं, यानी कि इस मुद्दे को सिर्फ एमपी एमएलए ही उठा सकते हैं, वो तो बंधुआ मजदूर है, आपको उनको पूछना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी ये जो ब्राह्मणवादी पार्टियों में जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं एमपी एमएलए, उनको तो बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, एक भी ओबीसी का एमपी एमएलए